भगत सिंह कहता है अपनी माँ से कि माँ अपने इस बेटे को हंसी खुशी से विदा कर, तेरी आंखों में आंसू देख करके मुझे अच्छा नहीं लगता। सजनों बताया कि आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में मुकाम आता है, कि आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। अरे बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका खून भी वतन के काम आता है, वतन के काम आता है। भगत सिंह अपनी माँ को समझाते हुए कहता है कि माँ तू चाहती थी कि तेरे बेटे भगत सिंह का ब्याह हो, तेरी गोद में पोते पड़ोते खेले, लेकिन आज आज इन गोरे अंग्रेजों ने तेरे बेटे के ब्याह के विधि विधान को किस प्रकार से बदल दिया है। मेरे साथ में राजगुरु और सुखदेव भी हैं, माँ आज उसी घड़ी को याद कर और ये समझ के आज तेरे बेटे भगत सिंह का ब्याह है। किस तरह से सजनों भाव पिरोते हुए कवि महोदय ने अपनी कलम को चलाया और क्या लिखा इस रागिणी के माध्यम से। Yeah.
तू चाहती थी कि तेरी गोद में पोते पड़ोते खेले, लेकिन आज आज इन गोरे अंग्रेजों ने तेरे बेटे के विधि विधान को इस प्रकार से बदल दिया है। कवि ने कलम चलाते हुए सजनों तीसरी कली के माध्यम से ज्ञान का पहले से खड़ी। राम नरेश महेंद्र काम